नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। अगर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बराई सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस की। अभी हम बात कर रहे हैं नॉट गेट की, लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं, अपन उसमें नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट कैसे वर्क करता है भाई यहाँ पर? वैसे ये बहुत सिंपल गेट है, लेकिन इसको जब हम यूज करते हैं बाकी गेट्स के साथ में, नॉर गेट, नैंड गेट वगैरह के साथ में जब अपन इसको यूज करते हैं, एक्स और बनाते हैं, है ना, तो ये जो नॉट गेट है वो अपना बहुत काम आता है। ठीक, अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो है ये सिंबल हो गया आपका नॉट गेट का, सिंबल हो गया। इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक, ये वाई इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट हम इसको बोलते हैं, कि ए अगर मैंने यहाँ पर वन रखा तो आउटपुट मुझे जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा, और अगर मैंने यहाँ पर ए को जीरो रखा तो आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो वन मिलेगा। ठीक है, मतलब जो भी ए रखेंगे उसका उल्टा अपने को यहाँ पर आउटपुट में मिलता है। अब ये कैसे काम करता है, इसका सर्किट से समझ लो इसको, कि भाई यहाँ पर हमने ये बल्ब रखा और ये सेल हो गया हमारा। अब यहाँ देखें कि जैसे अपने यहाँ से कि ये ए वाला जो है, ए की ओपन है, है ना, ओपन मतलब क्या हो जाएगा अपना जीरो, और क्लोज मतलब हो जाएगा वन। ठीक है, तो जब मैंने इसको ए को ओपन किया तो बल्ब ग्लो करेगा, है ना, मतलब आउटपुट मुझे वन मिलेगा। लेकिन जब ये ए को क्लोज किया जाएगा तो यहां पर आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि सारा करंट कहां से पास हो जाएगा आपका, ए से पास हो जाएगा, तो बी के पास कोई करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब बल्ब के पास कोई करंट जाएगा ही नहीं आपका, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, कि ए जब जीरो रखेंगे तो आउटपुट हमको वन मिलेगा, और जब ए को अपन वन रखेंगे तो आउटपुट मुझे जीरो मिलेगा, है ना, अपोजिट मिलेगा हमेशा। ठीक, और ये हो गया इसका एक और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन वाला सर्किट, है ना, सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे हमने ग्राउंड कर दिया, ये जो है ये कौन सा अपना एनपीएन बना अपना यहाँ पर ट्रांजिस्टर, और इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, कि ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अमीटर, और ये हो जाएगा हमारा कलेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका अमीटर, बेस और कलेक्टर का यूज करके अपन यहाँ पर क्या बनाते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर से नॉट गेट बनाते हैं। ठीक है, ये आउटपुट होगा हमारा यहाँ पर वाई, और ये हो जाएगा इनपुट हमारा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अर्थिंग, बेस कर दिया अपन ने इसको। ठीक, तो यहाँ पर अभी कौन है आपका कॉमन, कॉमन एमिटर है आपका। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से नॉट गेट जो है वो आपका बनता है। क्लियर हुआ, आई बात समझ में? तो आगे बाकी के और भी गेट्स अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।